होने वाली होगा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को परमेश्वर पिता, सारे हर एक जन का नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। यहाँ जो हर एक जन प्रोग्राम कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके उनको भी अपना नियंत्रण देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि वो हर एक प्रोग्राम करके परमेश्वर पिता आपको महिमा देने वाले हों। आराधना में आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में गेस्ट वर्शिप टीम है और तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करेंगे। और वो वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है? वचन है नहमाया की पुस्तक से, नहमाया की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 पद, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? उसमें क्या लिखा है उस वचन में कि तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके हर गण, हर पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया। मानते कि नहीं कि परमेश्वर ने बनाया है ना? आगे लिखा हुआ है कि और सबों की रक्षा तू ही करता है। आपकी रक्षा की है परमेश्वर ने, है ना? फिर लिखा है कि और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। कितना महान बात लिखा है ना? स्वर्ग की पूरी सेना उसको दंडवत करती है। तो आप सब भी तो मरने के बाद स्वर्ग जाने वाले हैं ना, उस सेना में शामिल होने वाले कि नहीं? तो आपको क्या लगता है, हमें भी दंडवत करना चाहिए तब तो, है ना? मैं लिटरली अभी दंडवत करने नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है? लेकिन हम अपने हाथों को तो उठा के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, है ना? तो आइए हम कुछ समय के लिए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए और उस परमेश्वर को याद करें, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि स्वर्ग की समस्त सेना उसे दंडवत करती है। हाँ परमेश्वर, हम तुझे दंडवत करते खुदावंत, क्योंकि स्वर्ग की समस्त सेना अगर तुझे दंडवत करती प्रभु, हम भी उस सेना में शामिल होना चाहते हैं खुदावंत। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप सबों की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। तो वचन कहता है परमेश्वर कि आप एल एलोहिम है, सृष्टि करता। आपका वचन कहता है कि आप एल शडाय परमेश्वर है, जो कि सर्वशक्तिमान खुदावंत है। ना तुमसा कोई है प्रभु, ना तुमसा कोई होगा। Thank you.
तेरे चरणों में झुकाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमसे कुछ नहीं हो सकता खुदावर, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, शक्ति
मेरे पीछे बोलिएगा, ठीक है? यीशु का दरबार आगे तो आपको पता ही है। प्यारा नहीं लगता है क्या? यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगा था। अरे सर जोर से बोलिए, यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगत है। उनको सच में लग रहा हम केजी स्कूल में आए हैं, हम बच्चा लोगों से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? अच्छा अब आप बोल तो दिए यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगत है, ठीक है? आपका तो मुझे पता नहीं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्यों प्यारा लगत है, पूछिए जरा। अरे थोड़ा जोर से पूछिए, क्यों प्यारा लगत है? नाइस क्वेश्चन, ठीक है? हमको तो इसलिए प्यारा लगत है क्योंकि यहाँ आके हर टेढ़ा आदमी सीधा हो जाता है। हाँ बात सही है कि नहीं? विश्वास नहीं हो रहा? जिसको विश्वास नहीं हो रहा भाई मुझे देख लो, ठीक है? अगर परमेश्वर मुझ जैसा टेढ़ा आदमी को सीधा कर सकता था, परमेश्वर का प्यार नहीं तो और क्या है, है ना? ठीक है। अरे अरे अरे
तालियां जाएंगे, ये सिस्टम इधर नहीं चलता है, ठीक है? सुनाई दिया? खाली हाथ खाए थे और खाली हाथ जाएंगे, ऐसा सिस्टम इधर नहीं चलता है, ठीक है? इधर खाली हाथ आए थे और बहुत आए तो मैं लेके जाओगे, ठीक है? विश्वास करते तो बोलते थोड़ा हालेलुया बोल लीजिए। चलो उसको सुनाई दे रहा है फिर से एक बार, पता है मैंने क्या कहा?
परमेश्वर वो 30 गुना नहीं, वो 60 गुना नहीं, लेकिन वो 100 गुना फल लाने पाए परमेश्वर।
ताकि परमेश्वर जब हम स्वर्ग की ओर जाएं, जब परमेश्वर जब स्वर्ग को प्रस्थान करें तो हमें कभी आपकी आराधना करने में दिक्कत ना हो। जैसे स्वर्गदूत निरंतर 24 घंटे आपकी आराधना करते रहते हैं परमेश्वर, हम भी आपको वैसे सराहना चाहते हैं परमेश्वर अपने इस जीवन के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा। धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, आपकी मधुर और सामर्थ्य उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर, और हम में से हर एक को छू रही है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हम आपको अपने जीवन में नियंत्रण देते हैं, आपको पिता परमेश्वर निमंत्रण देते हैं कि हमारे बीच में आइए, हमारे जीवन में आइए। और परमेश्वर हम जब स्थान से वापस भी जाते हैं तो पिता परमेश्वर एक बदले हुए रूप में जाने पाए खुदावंत, ताकि लोग जानने पाए कि तू वही खुदावंत है जो आज भी जिंदा है और जो बादलों पर आने वाला है। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगता हूं खुदावंत, सुन लीजिए पिता और स्वर्ग डाल ग्रहण कर लीजिए परमेश्वर। मेरा नाम विकसित दास है, हम उड़ीसा से आए हैं। तो मेरा जिंदगी में, मैं अभी तो 15 साल का हूँ, लेकिन कुछ ऐसे घटनाएं हुई है जो यहोवा ने मुझसे कराई है, और उसका कुछ मतलब बोलने का है, जो मैसेज है वो पास हुआ है जो कि मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। तो आज तो मैं बहुत नर्वस था क्योंकि इतना बड़ा क्राउड के आगे मैं कभी बोला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्ट अभी हो रहा है। तो इस साल 2 घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें कि मैंने प्रभु यीशु को महसूस किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बचपन में हमेशा सोचता था कि प्रभु यीशु कौन है, हम तो उनको कभी देखा नहीं है, कि हम उनको अगर देखा नहीं है तो कैसे हम उन पे विश्वास करें, हम कैसे उन पे सब ट्रस्ट रखें कि हाँ वो कुछ करेगा हमारे लिए। तो जब इस साल जो 2 घटनाएं हुई है, वो पहली घटना है कि मेरी जो दादा दादी है तो उनका हमेशा लिगामेंट का प्रॉब्लम था, तो उनको डॉक्टर्स के पास लेके गए थे, वो बोले कि नी रिप्लेसमेंट के मतलब नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो उनका लेग का ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो हर रात को उनको वो पेन होता था, जो नी का पेन। तो एक रात बहुत उनको पेन हुआ, तो हम लोग ने प्रेयर किया, हम जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर पे कॉल किए, वो इतना पेन था कि वो रात में सो नहीं पाते थे। तो वंस वो जो ब्रदर थे हमारे लिए प्रेयर किए, वंस जब हम प्रेयर को आमेन करके काटे फोन, तब से उनका पैर का दर्द चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा जो घटना हुआ वो काफ़ी मतलब डरावना या नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत मतलब यीशु मसीह को मुझे मुझमें महसूस करने के लिए उन्होंने मेरे लिए ये घटना की। तो मैं मेरी मम्मा दादाजी और दादी एक दिन जा रहे थे हॉस्पिटल नॉर्मल चेकअप कराने के लिए। तो हमारा प्लान था कि हम चेकअप कराएंगे, चेकअप कराने के बाद जाके कहाँ पे खा के घर आके रेस्ट करेंगे। फिर हम लोग निकल के चले गए, मैं हॉस्पिटल पहुंच गए, हम उनको ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप करने के बाद मैं गाड़ी में बैठा था, फिर मेरी मम्मा का कॉल आया 20 मिनट के बाद कि दादाजी का तबीयत बहुत डिटोरिएट कर रहा है, तुम जल्दी आओ। तो मैं जब इमरजेंसी वार्ड में गया, उनका मतलब वो पूरा स्वेटिंग हो रहा था उनका, उनको व्हीलचेयर में वहाँ पे बैठा थे, और वो मेरे को बहुत मतलब प्यार से देख रहे थे, जैसे मतलब मेरे को लास्ट टाइम के लिए देख रहे हैं। बहुत कुछ मतलब बोलना है उनको लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो वैसे मेरे को 5 मिनट तक वैसे देखे, लेकिन उनका स्वेटिंग हो रहा था। फिर डॉक्टर वो नर्स एक आई, नर्स आके बोली कि इनको यहाँ क्यों लाया, ये तो पेशेंट तो अभी चला जाएगा और 2-3 मिनट में, आप इनको यहाँ पे क्यों लाया, ये तो इमरजेंसी वार्ड में तो कुछ होगा नहीं। फिर उनको बहुत कन्विंस करने के बाद वो लोग सब क्या किए, वॉच निकालने लगे, वॉच निकाल के दिए, फिर रिंग निकाल के दिए, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो हॉस्पिटल को फिर अगर कुछ मिसप्लेस हो गया तो। उन लोग ने कैसे भी ट्राई करके बेड में उनको अरेंज कर दिया, बेड में उनको सुला दिया। सुलाने के बाद मैं उनको देख रहा हूँ, उनका मतलब ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर जो होता है वो धीरे 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 कम हो रहा है, और एक टाइम पे वो जो लाइन होता है ना, जो हार्ट बीट का जो बताता है, वो लाइन पूरा डेड हो गया, पूरा स्ट्रेट। उनकी आँखों को मैं देख रहा था ऐसे पूरा पलट गया। मैं बहुत रोया, बाहर आया इमरजेंसी में, मैं ऐसे घुटनों में गिर गया और भगवान को मांगा कि यीशु तुमने ऐसे क्यों किया,
जो मेरे में पाप है मैं अगर सब पाप में छोड़ दूंगा, लेकिन आप उनको रिवाइव कर दीजिए कैसे भी करके। फिर वो जब हुआ, एक डॉक्टर आए जिनको यीशु ने भेजा था, तो डॉक्टर आके बोले कि हम उनको कार्डियक शॉक देंगे, शॉक देने से अगर रिवाइव हो गया तो अच्छा है, या फिर अभी के लिए तो आप पकड़ लीजिए इस डेथ। उनका 10 मिनट्स के लिए हार्ट पूरा बंद हो गया, वो लोग मतलब रेडी थे कि बोलने के लिए कि चले गए। फिर वो आए, कार्डियक शॉक दिए, उनका यहाँ पे हार्ट पे 3 हड्डी टूट गया, कार्डियक शॉक जो दिए। कार्डियक शॉक देने के बाद वो 5 मिनट्स के बाद रिवाइव किया। ये मतलब मैं उस टाइम पे मतलब मैं कितना आगे सोच दिया कि इसे कैसे होगा। मैं भगवान मतलब यीशु को मैं सवाल किया कि आप इसे क्यों किए, जो कि गलत है, हमको करना नहीं चाहिए। तो इसके द्वारा यीशु ने मुझे बताया कि मतलब मेरा जो बचपन से जो सवाल था कि आप कहाँ हो, हम देख तो नहीं पाते हैं आपको, उन्होंने उस सवाल को मेरे को बताया। तो उसके वजह से मैं आप सबको बोलना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं यहाँ, सबको बोलना चाहूँगा कि हम कुछ खराब काम कर सकते हैं बाहर, हमारे पेरेंट्स नहीं देख सकते या फिर दोस्त नहीं देख सकते, अकेले में जाके कुछ भी आप खराब काम कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी आपको हमेशा देख रहा है, वो है यीशु। आप अगर हमेशा सोचेंगे कि नहीं हमको एक आदमी देख रहा है, जैसे दाऊद ने बोला था, तेरी आत्मा हर जगह है, पर्वत में तेरी आत्मा है, पहाड़ों में तेरी आत्मा है, समुंदर में भी तेरी आत्मा है, मैं कहाँ जाऊँ, ये जो था। तो उसको अगर हम माइंड में लेके हमेशा चलेंगे तो हम वैसे कुछ खराब काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आप हमेशा और यीशु को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। आपका पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन सबसे पहले यीशु को, उसके बाद आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए। लेकिन आप हमेशा प्रेयर पे बिलीव रहिए। और मेरे लाइफ में जो मैंने प्रेयर से जो चेंजेस दिखा है, प्रेयर इज़ वेरी पावरफुल। मैंने जो प्रेयर में जो किया है, मैं पहले कुछ मतलब बाइबल नहीं पढ़ता था, प्रेयर नहीं करता था, मैं सोचता था क्या होगा ये सब करके, कुछ मिलता तो नहीं है ऐसे बाइबल पढ़ने से। फिर लेकिन जब मैंने ये इंसिडेंट को देखा, मेरे आँखों के आगे एक आदमी चला गया, 10 मिनट के लिए चला गया, फिर वापस वो जो प्रेयर से जो आना, रिवाइव करना, वो मुझे बहुत मतलब मेरा मतलब बोलने जैसा आँख मतलब खुल गया। तो ये बोलना चाहूँगा, धन्यवाद, जय मसीह की। गैदरिंग करना, अच्छे अच्छे भोजन वस्तु को बनाना, घरों को सजाना तक ही नहीं है, लेकिन इसलिए भी कि यीशु मसीह हमारे मनों में जन्म ले। क्या आपको पता है कि हम अपने घर के ऊपर तारे क्यों लगाते हैं क्रिसमस में? कोई लगाता है सजावट में? हाथ नहीं दिख रहे, कोई नहीं सजाते घर? क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि मेरे घर में प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। तो सच में इस बार हम ऐसा क्रिसमस मनाएं कि लोगों को पता चले कि सर हमारे मनों में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और जब तक हम उस चीज को बोलेंगे नहीं, लोग कैसे जानेंगे? हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम उत्साहित होते हैं तो हमारे आसपास वाले लोग जान जाते हैं कि हम कितने ज्यादा उत्साहित हैं। क्या यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना हमारे मन में उत्साह को नहीं भरता? अवश्य ही भरता है। तो ये चीज हम जरूर करेंगे, हम लोगों को भी बताएंगे कि हम कितना उत्साहित हैं यीशु मसीह को पा करके।
पिता उन्हें धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि प्रभु जी वचन बतलाते हैं प्रभु कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है। प्रभु धन्यवाद आप हमारे बीच में रहे हैं, हर एक कार्यक्रम पिता हर एक प्रोग्राम्स में प्रभु आपने अगुवाई की प्रभु जी, शुरू से लेकर पिता आखिर तक पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य में आपके अनुग्रह में प्रभु जी हमने हर एक काम को करने पाए हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, जब भी झुंड प्रभु आपकी महिमा को के गीत को गाई है प्रभु जी, हर एक पे पिता आपका अनुग्रह की आशीष हमेशा बनी रहे प्रभु। पिता हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु आपकी जो जन्म की जो खुशी है प्रभु जो हम मनाते हैं खुदावन पिता होने पाए प्रभु जी की हर एक हृदय यीशु के नाम से स्वामी आपके लिए खुलने वाला होने पाए। प्रभु इनके हृदय में आप जन्म ले प्रभु जी, अब पिता एक बदलाव इनकी जिंदगी में आप दिखा प्रभु। पिता हम केवल खुशियों को पिता बांटने वाले नहीं प्रभु जी, प्रभु पिता हम खुशियों को एक्सेप्ट करने वाले बनने पाए। प्रभु आपका उद्धार हर एक जीवन का विषय होने पाए खुदावन, प्रभु इनकी जिंदगी में आप जिए पिता परमेश्वर। प्रभु आप हर दिन हर सुबह हर घड़ी पिता परमेश्वर इनके साथ साथ आप बने रहें, आपकी करुणा में हाथ हमेशा हम सब की अगुवाई करने वाले होने पाए। प्रभु धन्यवाद इस छोटे से पिता समय के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया पिता, ताकि ये आनंद ये खुशियाँ प्रभु जी जो हमने आपस में बांटी है प्रभु वो फलदायक होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर तमाम टीम के लिए खुदा जो पिता आज के दिन में यहाँ पे प्रभु आपके लिए गीत को गाए गीत को बजाया नाच और पिता वो जब आपकी महिमा जब वो किए हैं प्रभु जी हर एक टीम पर तेरी आशीष अधिक बरकत लगातार होती रहे। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिखाया है खुदावन, हम सारा आदर सारा सराल और धन्यवाद हम आपको देते हैं प्रभु। हम सब में आपकी खुशियाँ खूब बढ़े प्रभु जी और पिता हमें से हर एक का तनाव और चिंता परेशानियाँ लगातार घटती जाए यीशु के नाम में। हम लोग अनुग्रह वचन साथ में बोलेंगे और हमारे